तो पापा आज मंदिर को सर्फ से धुल रहे हैं। छूट रहा है मिट्टी सब। नमस्कार मौसी, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह का टाइम है और आज हम लोग घर साफ करेंगे, अच्छे से आप सबको दिखाएंगे साफ करते हुए। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग सोकर उठ गए हैं और यहाँ पर बर्तन मार दिए है गुंजन ने, और इधर मम्मी बैठी हुई है, पापा ब्रश करा रहे थे और घर की साफ सफाई कर रहे हैं पापा और गुंजन। आज गुंजन यहाँ पर लिख रही थी अभी और घर में जा रही है बैग रखने, और पापा टक थे और खटिए को हटा दिए हैं। तो यहाँ पर पापा फर्श को धुलने के लिए पंखा और चार्जर सब कुछ तख्ते पर रख दिए हैं और अब जा रहे हैं धोने। यहाँ पर पापा मिट्टी को अच्छे तरीके से साफ कर रहे हैं झाड़ू से और धुल दिए हैं फर्श को अच्छे तरीके से, अभी धुल रहे हैं। ये कमरे को साफ कर दिए, चलते हैं वाले कमरे को साफ करने जा रहे हैं पापा। यहाँ पर गंदा हो गया था, मिट्टी लग गई थी फर्श में, तो ही साफ कर रहे हैं, तो झाड़ू लगा कर मिट्टी साफ कर रहे हैं। जब मम्मी अस्पताल नहीं गई थी तब धुला गया था और आज धुला जा रहा है, तो मिट्टी छूट रही है, सब बहुत अच्छे से साफ हो रहा है। और खटिया के नीचे पापा साफ कर रहे हैं। तो ये भी कमरा लगभग धुल चुका है, थोड़ा सा बचा है यहीं पर, उसे भी धुल रहे हैं पापा। और यहाँ पर मिट्टी निकल रही है, देखिए। और चांदनी यहाँ पर मिट्टी को छुड़ा रही है, पापा सर्फ डाल रहे हैं फर्श पर। तो यहाँ पर सर्फ डाल के चांदनी गुंजन सब भिड़ गई हैं मिट्टी छुड़ाने में। तो यहाँ पर सब साफ कर रहे हैं मिट्टी अच्छे तरीके से, छूट रहा है मिट्टी सब। तो यहाँ पर मिट्टी छुड़ा रहे हैं फर्श की और छूट भी रही है, और इधर पापा भी छुड़ा रहे हैं, और यहाँ सब मिट्टी लगा हुआ था, सब साफ हो रहा है और गुंजन भी छुड़ा रही है। तो इसी तरह सब लोग साफ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, मिट्टी को छुड़ा देते हैं, फिर दिखाएंगे धोते हुए फर्श। गुंजन यहाँ पर पैर से छुड़ा रही है मिट्टी को। तो वहाँ पर पापा साफ कर रहे हैं, पोछा मार दिए हैं, मिट्टी छूट गई है और साफ कर रहे हैं पानी मार के। और यहाँ पर चांदनी अभी मिट्टी छुड़ा रही है इधर, और इधर की मिट्टी नहीं छूटी उतना, इधर दाग लगा हुआ है, और यहाँ पर साफ कर दिए हैं पापा। उधर का भी साफ करना बाकी है, इधर का साफ हो चुका है। तो इधर की मिट्टी साफ हो चुकी है और उधर का साफ कर रहे हैं पापा, इस फर्श को भी धुलेंगे भी। यहाँ पर बर्तन धुल के गुंजन रख रही है और चांदनी। तो यहाँ पर पूरे घर और कमरे की सफाई हो चुकी है, फर्श की भी सफाई हो गई है, और उधर साफ कर रहे हैं पापा यहाँ पर। और इधर किचन गार्डन का घास हम लोग उखाड़ दिए हैं सुबह सुबह, काट के यहाँ पर रख दिए हैं, अभी बहाएंगे, बैठाना है इसमें कुछ। इधर कपड़ा पापा धोकर कुर्सी पे रखे हुए हैं, और अभी चांदनी फैलाने जा रही है यहाँ पर। तो चांदनी यहाँ पर कपड़े को फैला रही है, चांदनी गुंजन अंजलि का कपड़ा है। तो पापा कपड़ा धुल के रखे हुए थे, और यहाँ पर चांदनी पापा फैला रहे हैं कपड़े को। तो यहाँ पर पूरे कपड़े को अच्छे तरीके से फैला दिए हैं पापा और चांदनी। मंदिर को धो लेते हैं, गंदा हो गया था।
हमारे पापा मूर्ति को धोकर कुर्सी पर रख दिए हैं, अब जा रहे हैं उस मंदिर के धोने। तो यहाँ पर धो दिए हैं, तो पापा आज मंदिर को साफ से धुल रहे हैं। मंदिर को साफ कर लेते हैं, तो हमारे पापा मंदिर को साफ कर देते हैं, अभी दिखाते हैं। हमारे पापा मंदिर को मूर्ति को धो दिए हैं, यहाँ पर बैठे हैं और गुंजन चाय बना रही हैं। यहाँ पर दाल पक रहा है, चाय हमारा बन गया है, हम यहीं पे चाय को छानने जा रही हैं। पूरे घर की साफ सफाई कर दी है और मंदिर धुल के रख दिए हैं सुखाने के लिए, और यहाँ पर चाय पी रहे हैं हम लोग। सभी दीदी भैया को राम राम। आज चाय पी लीजिए, आशी का चाय पी लीजिए। तो अब हम सब घर का सारा सामान सेट करेंगे लाकर। अब चमन की मम्मी को नहला दिए हैं, तो यहाँ पर पापा मम्मी को नहला दिए हैं, बाल भी धुल दिए हैं अच्छे से यहाँ पर, और इधर गुंजन केला छिल रही है, केला का सब्जी बनेगा आज। चलते हैं सब्जी को छिल लेते हैं। यहाँ पर इतना सारा पापा केला छिलकर थाली में रख दिए हैं और यहाँ पर छिल रहे हैं गुंजन और पापा। पूरा केला छिल चुके हैं, चलते हैं इसको साथ से धुल लाते हैं। केले को काट लेते हैं, तो यहाँ पर केले को काट रहे हैं पापा। आज इसकी सब्जी बनेगी हमारे घर पर। यहाँ हम केला को काट चुके हैं, तड़का को काटते हैं। तो केले को काट लिए हैं पापा, जा रहे हैं तड़का। तड़का को काट चुके हैं, चलते हैं गैस को जला लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेट में तड़का काट के रख लिए हैं, प्याज लहसुन मिर्चा, और यहाँ पर गैस को जला दिए हैं, कढ़ाई को रख दिए हैं, गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, यहीं पर जीरा को डाल देते हैं, मिर्चा लहसुन को डाल देते हैं, प्याज को। टिफिन में पानी डालकर पक चुका है, सब्जी डाल दें हैं, स्वाद के अनुसार नमक को डाल देते हैं, यहीं पे खाली ढक देते हैं। यहाँ पे सब्जी भी पक चुकी है, सारा खाना कंप्लीट हो गया है, तो हम सब जा रहे हैं खाने। अच्छी तरीके से बन चुकी है और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। गुंजन निकालने जा रही है खाना सभी लोगों के लिए। यहाँ पर चावल बन चुका है और दाल, और यहाँ पर सब्जी और रोटी बनी हुई है और निकाल रही है गुंजन। यहाँ पर सभी थाली में दाल चावल निकाल दिए हैं और गुंजन थाली में रोटी रख रही है। मोबाइल ट्राईपॉड में लगा रहे हैं, देते हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के खाएंगे भी। यहाँ पर गुंजन की थाली में खाना निकाल उठा है, कुछ इस तरह खाना बना हुआ है आज। केले की सब्जी, दाल चावल, रोटी। बिल्कुल रोटी नहीं खा रही है, खाना बहुत अच्छा बना है, खाना बहुत अच्छा बना। तो पापा के पैर में फोड़ा निकला हुआ है, इसलिए सही से बैठ नहीं पा रहे हैं पल के मारते, और हम लोग खाना खा रहे हैं। तो सभी लोग लगा रहे थे मेहंदी, तो हम भी मेहंदी खरीद लाए थे, तो हम मम्मी को लगा दिए हैं मेहंदी, तो एक कुप्पी मंगाए थे, चूड़िया भी पहना दी हूँ। डलिया सुबह से जिद कर रही, लाओ मम्मी लगाती हूँ, अब ये सब लगा दिए हैं, ऐसे करके हम चुकवा रहे हैं। हम पापा को बोले थे कि चूड़िया हरी हरी चूड़िया ले, पापा हरी हरी चूड़िया लेकर आए। यहाँ पर गुंजन अपना मेहंदी लगा रही है, मम्मी का मेहंदी लगा दी है, और यहाँ अपने हाथ में मेहंदी लगा रही है। तो आप सबको देख के अच्छा नहीं लगेगा मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाती है गुंजन को, लेकिन गुंजन का बात मानना पड़ेगा, मम्मी को जिद करके लगा दी है गुंजन। और यहाँ पर तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मौसी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मौसी।
प्लीज मोमो से हम सब बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज मोमो से हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल आगे जाएगा तो हम सब पढ़ने पढ़ने जा पाएंगे। नमस्ते मोमो से।